के ढींड गांव में, जो जयपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव में 8 से 10 दिन में एक बार पानी आता है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के जो सूखे गांव हैं उनकी स्थिति क्या हो चली है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार किस तरह के हालात राजस्थान में होने वाले हैं। पचास किलोमीटर की परिधि में आने वाले कई गांवों का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां 8 से 10 दिनों में महज 10 मिनट भी पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में हालात ये हो गए हैं कि लोग गांव से शहरों की तरफ निकलने लगे हैं। सारा गांव में जो सभी पानी बह दिया, नलका पीसा लग दिया, ट्यूबवेल का लग दिया, टैंकर लग रखा हुआ, फिर भी बहुत महंगा, जगह जगह मोटर बढ़ जाओ तो मान पीसा ले, बाकी सुधरा दिया सारा घर। पानी के संकट पर हमने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की, जहां हमें पता चला कि लोगों को पानी काफी मुश्किलों के बाद मिलता है। गांव के कुएं, तालाब, बावड़ी सूख चुके हैं। वाटर लेवल इतना कम है कि ज्यादातर ट्यूबवेल्स भी अपना दम तोड़ रहे हैं। हे अति पानी से भी दे बांध तैयार से में 20 में 20 बांध बांध से दियो तो मैं भी दे देला ट्यूबवेल लंगर सारा का तवाई खोद रहे थे डंडा डोर अगर लिए बा डंडा तो अपना पानी भेज दियो जैसे तवाई खोद रहे थे। हमारे यहां पर 15 दिन तक पानी नहीं आता है, महीने भर तक भी नहीं आता है, और हम टैंकर डलाते हैं पानी के लिए, और हमारी मोटर खराब आ जाती है तो हमारी जानवर तसाई मरते हैं। पानी की किल्लत से जिंदगी की इस लड़ाई में बेजुबान जानवरों का हाल और भी बुरा है, जो रोजाना पानी नहीं मिलने से दम तोड़ रहे हैं। तो भीषण गर्मी में महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। ऐसे हालातों से लड़ने के लिए गांव में तैनात पंप चालक भी सिस्टम के सामने घुटने टेकने को मजबूर है, क्योंकि एक टंकी से चार गांव में पानी जाता है, जिससे जलदाय विभाग ये दावा करता है कि 4 दिन में एक गांव को पानी मिलेगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आते हैं। ये तस्वीर केवल एक गांव की नहीं बल्कि हजारों गांव की है, क्योंकि गांव तक पीने का पानी बड़ी मुश्किलों से पहुंच पा रहा है। गांव में जो स्रोत हैं वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। 4 दिन से आता है मतलब, और फ्लोराइड आता है उसमें भी, पीने लायक पानी नहीं है मतलब। वो लोग तो मतलब जो नल आता है उससे और कम पड़ता है तो टैंकर डलवाते हैं, मतलब हेडपंप वगैरह तो है वो तो मतलब कभी खराब हो जाते हैं, कभी किसमें पानी सूख गया। रीड़ा गांव में बीसलपुर परियोजना से जोड़ने का काम तो 2 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां तक पानी पहुंच नहीं पा रहा। अधिकारियों की उदासीनता के चलते गांव-गांव ढाड़ी ढाड़ी रोजाना प्यासी रह जाती है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।